लॉर्ड बिहार शिक्षक बहाली में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी अपने मौके के लिए आगे बढ़ रहे हैं पर मैं ये कहता हूँ कि इन्हें मौका क्यों मिले इन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए सिर्फ पहले से बीटेड पास अभ्यर्थी बहाली के लायक है ये बहाली के लायक नहीं है, इन लोग बरे बरे है। ये लोगों के ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं ये बड़े बड़े सपने देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक बहाली में इनको मौका मिल जाए और ये शिक्षक के रूप में पद स्थापित हो जाए पर यह होने वाला नहीं है माइलोड इनको समझना चाहिए से ग्यारह दो हजार उन्नीस की तारीख नोटिफिकेशन में है और उसके बाद के कोई भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक बहाली में भाग नहीं ले सकते और मैं ये मांग करता हूं, कि बहाली प्रक्रिया से सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए इनको मौका नहीं दिया जाए और इसी कोर्ट में इनका फैसला कर दिया जाए ये सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी बहाली के लायक ही नहीं पास हुए इनको कैसे मौका दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी और मैं कहता हूँ नहीं इनको बहाली में मौका नहीं मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए ऑनर वकील साहब की बातों को सुनने के बाद मैं कंफ्यूज सा हो गया हूं लगता है ये भोजपुरी फिल्में कुछ ज्यादा ही देखते हैं क्योंकि इनका यह केस भोजपुरी फिल्मों की तरह है जिसमें कई कहानियां आपस में उलझी हुई होती हैं इन्होंने नोटिफिकेशन की बात की है नोटिफिकेशन में तेईस ग्यारह का डेट इन्होंने बताया है कि तेईस ग्यारह का डेट है तेईस ग्यारह के बाद कोई भी पास करता है तो बिहार शिक्षक बहाली में मौका नहीं मिलना चाहिए पहले ये सोच ले कि नोटिफिकेशन तेईस ग्यारह का है और तेईस ग्यारह के बाद या तेईस तो ग्यारह से पहले क्या इसमें बदलाव नहीं हुए हैं कई बार नोटिफिकेशन में बदलाव हुए हैं योर ऑनर और मैं काबिल वकील साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि बदलाव मगध यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों के लिए भी किया गया है सरकार ने तो लेटर निकाल कर ये तक कह दिया कि नियोजन प्रक्रिया के अंतिम तारीख तक जो आहता को प्राप्त करेंगे उनको बहाली प्रक्रिया में मौका दिया जाएगा मैं साबित कर चुका बहाली प्रक्रिया के लायक इनको बहाली प्रक्रिया से बाहर किया जाए और मैं ये कह रहा हूँ की बाहर तो उनको करना चाहिए जो फर्जी अभ्यर्थी है टॉप फाइव में टॉप टेन में हर जगह फर्जी अभ्यर्थियों ने अपना कब्जा जमाया उनके लिए कोई कुछ नहीं बोलता प्राथमिक शिक्षा निदेशक के लेटर को मत बोलो जिस लेटर में साफ लिखा हुआ है किसी पे नहीं वैसे डी एड अभ्यर्थियों से ये आवेदन लेना और किसी से आवेदन नहीं लेना और मैं उसी प्राथमिक शिक्षा निदेशक से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ परमिशन ग्रांटेड आप YouTube पर आकर के वीडियो डालते हैं जी हाँ आप ही के द्वारा मगध यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों को मौका दिलाने के लिए लेटर निकाला गया कि नियोजन प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक जो भी अभ्यर्थी आहता को प्राप्त करेंगे उनको बहाली प्रक्रिया मौका दिया मेरे जाएगा मेरे इसका मतलब ये हुआ कि बहाली प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी आहारता को प्राप्त करेंगे सुन लीजिए वकील साहब इसका मतलब ये हुआ कि बहाली प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी आर्ता को प्राप्त करेंगे उनको बहाली प्रक्रिया मौका मिलना चाहिए वो लेटर मैंने ही निकाला था और उस लेटर के बाद मगध यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा उस लेटर के हिसाब से सीटेड समर अभ्यर्थियों क्यों नहीं उस लेटर से सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों को मौका मिला यानि कि अभ्यर्थियों को भी इस लेटर के हिसाब से मौका मिल सकता है, Point noted, ठीक है आप और नहीं आप बर्बर -बर कर रहे थे तो मुझे लगा कुछ पूछना चाहते हो नहीं हाँ तो महाजन साहब आप बताइए क्या बिहार शिक्षक बहाली में सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए क्योंकि लेटर के हिसाब से तो अब इनको मौका मिलना चाहिए लेटर में साफ तौर से सब लिखा है बोलिए क्या वकील साहब आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे तो इनकी बातें समझ में नहीं आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं खैर छोड़िए है, आप तो कुछ समझना भी नहीं चाहते सही बात यह है कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए ये साफ हो चला है अब सीटे दिसंबर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाइए और ऑर्डर में यह भी लिखा होना चाहिए कि सीटेड सम्र अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और उनको कोई तंग तबाह नहीं करेगा